श्रीनगर में कई इलाकों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुहर्रम को लेकर एहतियातन कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता शुजा उल हक की रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में आज 35वां दिन है। लगातार अगस्त 5 से ही तनाव का माहौल बना हुआ है। जब से धारा 370 को हटाया गया तब से लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती हर जगह दिख रही है। श्रीनगर शहर में कल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हर तरफ लगाई गई थी। मुहर्रम का प्रोसेशन जो है उसको निकालने के लिए इजाज़त नहीं दी गई। आज भी जगह जगह पे जो सुरक्षा बल है वो तैनात है। सड़कों पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दिख रहा है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं नज़र नहीं आ रहा है। स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स को खुला रहने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं लेकिन बच्चे स्कूलों में नहीं अभी तक जा रहे हैं। आगे स्कूलों के एग्ज़ाम्स भी हैं। बच्चे जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी देने का बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी देने का वक्त आ गया है लेकिन अभी भी जो है अटेंडेंस स्कूल्स में बहुत कम है। तो कुल मिला के देखिए तो जो है तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो लैंडलाइन फोन्स चल रहे हैं लेकिन मोबाइल फोन्स और इंटरनेट अभी भी नदारद है। सरकार का कहना है कि कोशिशें लगातार जारी हैं और जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, बिजली पानी या जो हेल्थ केयर के हवाले से, वो लगातार मुहैया की जा रही है लेकिन ज़मीन पे तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। कैमरामैन रूफ के साथ शुजाउल हक से नगर आज तक।